as prayed by petitioner number 2, the wife, petitioner number 1, the husband, is hereby directed to pay rupees 30,000 per month as alimony to petitioner number 2. हमने तो आपसे अपनी पिछली बीवी से छुटकारा पाने को कहा था, आपने तो उसे गोद ले लिया जी। जी आप ही की बेटी वकील थी। अरे तो क्या हमने कहा था इसे अपना वकील रखने के लिए, इसे तो हम अपना केस नहीं देते। कितना पैसा देना पड़ेगा आपको? जी 30,000। तो कमाते कितना है जी महीने में? 45,000 जी। सुना 15,000। इन्होंने 45,000 बोला था। अरे तो बच्चे तो 15,000 ना। अपनी बहन को मुझे कुएं में नहीं ढकेलना है बस। अरे दो मिनट चुप रहेगा? पूरी जिंदगी चुप ही करवाया और क्या। आप ही कर। आपने अपनी पहली बीवी को तलाक दे ही दिया है तो फिर ये लेन देन किस बात का? जी तलाक के बाद पहली बीवी को पैसा देना पड़ता है, गुजारा भत्ता, एलिमनी। कौन सी मनी? मम्मी एलिमनी। सुना तो नहीं जी। गुरप्रीत समझाओ ना। तुम ही समझा दो ना प्लीज, मुझे भी परफेक्टली क्लियर नहीं है। जी कानून के हिसाब से मुझे पहली बीवी को इतना पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन इतना पैसा अगर आपकी पहली बीवी ले जाएगी तो फिर 15,000 में आप अपना घर कैसे चलाएंगे? अरे ये सब छोड़ो, इससे ये पूछो कितना पैसा अगर इसकी पहली बीवी लेके जाएगी तो 15,000 में घर कैसे चलाएगा ये? ना हम तो बेवकूफ हैं? तू ही कर ले बात। आमित ओए यार सॉरी यार, वो घर की कोई बातें यार। देखिए बेटा, हम अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से कैसे कर सकते हैं जो अपना घर ही ना चला पाए? हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन बेटा जी अगर आपको हमारी गुरप्रीत से शादी करनी है तो पहले अपनी इस एलिमनी से छुटकारा पाने का तो कोई रास्ता ढूंढिए ना। रास्ता ढूंढिए नहीं होता है, रास्ता नापिए होता है। और बाबा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जसवंत का रिश्ता अभी भी है और वो कम से कम इसकी तरह सेकंड हैंड नहीं है। यार जसवंत थैंक यू यार, तूने मेरे लिए इतना सोचा, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं, अरे तू फिक्र ना कर, गुरप्रीत की शादी तेरे साथ ही होगी, किसी और से होने नहीं दूंगा। हाँ थैंक यू। हाँ भाई मिल जस्सी। हाँ। क्या इंतजाम किया है, बहुत अच्छा बेटे। छोड़ना माँ। क्या हुआ तुझे? अभी जसवंत का फोन आया था कनाडा से, तो कह रहा था उसने एक और ब्रांच खोला है वहाँ पर सी फेसिंग, 15-20 का स्टाफ, ACOC सब, और सब कुछ उसने मुझे ध्यान में रखकर बनाया माँ। और ये पापा को क्या हो गया, गुरप्रीत के बचपने में आकर किसी ड्यूटी मैनेजर से उसकी शादी सोच रहा है। देख आज के दिन तू पापा से कोई बहस नहीं करेगा, ठीक? तो आप होटल में वो ड्यूटी मैनेजर हो? जी। गुरप्रीत बता रही थी कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। जी क्यों? जी क्यों पसंद करते हो? अच्छी लड़की है जी। तो ओए जस्सी नदी, वैसे भी माँ बाप की कहाँ चलती है आजकल, गुरप्रीत की खुशी में हमारी खुशी है। ए भाई सुन और ध्यान से सुन, गुरप्रीत के लिए रिश्ता कनाडा से आया है। पर मुझे नहीं करनी जसवंत से शादी, वो काना है। अरे तो कौन सा, तुझे उससे शादी करके मॉडलिंग करवानी है, और काना है तो अच्छा ही है, एक नजर से तो देखेगा सबको। बेटा जी आपके पेरेंट्स तो रहे नहीं कोई प्रॉपर्टी? मॉडल टाउन में 3 बेडरूम का फ्लैट बुक किया इसने, आज ही लोन पास हुआ है। अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम का कैप्टन था और तो स्कूल में भी फर्स्ट आता था ना। जी 8वीं तक। हाँ तो फर्स्ट तो मैं भी आता था, क्या उखाड़ लिया मैंने? वाकई क्या उखाड़ लिया तूने? सुनो जी बात करो ना। हाँ कर रहा हूँ। जी देखिए वैसे आपकी पहली वाली मैरिज तो चली नहीं, ये वाली चल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी तो जी चीजों की होती है, रिश्तों की गारंटी तो प्यार होता है जी, और प्यार मैं करता हूँ गुरप्रीत से। क्यों पहली को नहीं करता था? करता था जी। तो कहाँ गई गारंटी? अब बेटा पिछली से तलाक हुए कितने दिन हो गए? बस ये केस चल रहा है, कुछ ही दिनों की बात है, तलाक मिल जाएगा। ये लो जी लड़का तलाक शुदा नहीं शादी शुदा है, अब तक 3 बेडरूम का फ्लैट कुछ सोच के लिया है भाई ने। पर बेटा जी आपको नहीं लगता कि अगली नौकरी की अर्जी डालने से पहले पिछली को इस्तीफा दे देना चाहिए? जी 1.5 साल से सेपरेटेड हैं, वो तो मिल ही जाना है, बस फॉर्मेलिटीज हैं जी थोड़ी बहुत। नेहा तुझे तो पता है मैं और गुरप्रीत अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आशीर्वाद लेने आए हो?
आशीर्वाद तो सबसे मिल ही गया है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। गुरप्रीत के मम्मी डैडी बोल रहे हैं कि 15,000 में तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचोगे। बात तो सही है इसकी मम्मी डैडी की, आजकल 15,000 में कहाँ घर चलता है। वही तो, याद है जब 45 घर में आता था तब कितनी दिक्कत होती थी, अब उसमें से भी 15 तू लेने लग गया। मैं लेने लग गया हूँ मतलब? दीदी प्लीज आप इतने पैसे मत लीजिए, वरना हमारी शादी नहीं हो पाएगी। जहाँ प्यार हो वहाँ पैसा मैटर नहीं करता, जहाँ ना हो वहाँ करता है। दीदी मैं जाऊँ? हाँ, तेरे 3,000 फ्रिज पे पड़े हैं, ले जाना। जी दीदी। मजबूरी है, अब काम नहीं होता मेरे से, पीठ में दर्द रहता है। मैंने स्विमिंग शुरू किया है ना, वैसे मोटापा ज्यादा नहीं लग रहा है? हाँ चर्बी काफी चढ़ गई है तुझे। तू बड़ा दुबला हो गया आजकल, मेहनत ज्यादा करने लग गया क्या? मेहनत का मतलब भी पता है तुझे? राजबीर। क्या राजबीर, मैं यहाँ तिल तिल मर रहा हूँ, इसे फिगर बनाने की पड़ी है। तो तू भी बना लेना, मैंने कहाँ रोका है, मैं तो बनाऊंगी। तू होती कौन है मेरे पैसों पे ऐश करने वाली? तेरे 7-7 जन्म की कसम खाई हुई बीवी, तू पहले जन्म में कसम तोड़ेगा तो हर्जाना तो भरना पड़ेगा। डिवोर्स तो ले लिया है, अब जान लेगी क्या? आज के बाद 1 रुपया नहीं दूंगा, भूखी मरेगी ना खुद ब खुद 0 फिगर हो जाएगी। चल ये क्या कह रहे हैं कि तुम दोनों का कुछ ये क्या मामला है? शादी करना चाहते हो एक दूसरे क्या? से ये क्या मजाक है राकेश जी, मैंने तो बातें क्या कर ली आपसे, आप तो आपकी उम्र हो गई है राकेश जी, बेटा तुम समझाते क्यों नहीं अपने पापा को, ये सब क्या अच्छा लगता है? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हेलो नेहा जी, कैसी हैं आप? राकेश जी सुबह सुबह मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप सो तो नहीं रहे थे? नहीं बस ऐसे ही कुछ पुरानी सी बात याद कर रहा था। खैर आप बताइए कैसे याद किया? राजवीर को समझाओ वरना वो अंदर हो जाएगा। क्यों क्या हो गया? धमकी देकर गया है कि पैसे नहीं देगा, उसके बाप के पैसे हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं बोलते, आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो आपको घर पर आकर पैसे देकर जाएगा। नहीं दिए तो? अरे ऐसे कैसे नहीं देगा, उसके बाप के पैसे हैं क्या? नहीं दिए तो? आपसे बात करके मन हल्का हो जाता है, सबको लगता होगा कि मैं सिर्फ काम के लिए फोन करती हूँ। चलो आप बिजी होंगे, मैं आपको शाम को फोन करती हूँ। नहीं नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, बस मैं बस गुड मॉर्निंग मैम। राजवीर अजीत का फोन ऑफ आ रहा है, कहाँ है वो? मैम सर तो एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, अगर अर्जेंट है तो मैं बात करवा देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, बाय। ठीक है मैम बाय। सर की आज भी मीटिंग है? अरे एक आप हैं जिन्होंने अपना नाम हरपाल से बदल के हैरी रख लिया है, फिर भी दुनिया वाले आपको सीनियर सिटीजन समझते हैं। वो तो है। और एक हमारे सर हैं जिन्हें दुनिया रिटायर ही नहीं होने देती। So, how are you feeling? Top of the world. What about you? मैं बता ही नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं। By the way, how old are you? By the way, you tell me, how old am I? 55? No. Wow, 60. 65. 70. Oh my God. Rajveer, मुझे जिंदगी में सब कुछ देर से मिला। पहली कमाई 35 में, शादी 42 में, और माँ का प्यार भी तब मिला जब 6 साल का था, जब बाबू जी ने दूसरी शादी कर ली। आपको लेट और मुझे सब कुछ वक्त से पहले। अब देख लो 22 की उम्र में शादी और 26 में डिवोर्स। सर जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ मुझे लगता है 40 होते होते तो फूट लूंगा जी। ओए मनहूस बातें मत कीजिए, मेरी उधर जाती है। सर 9-9 हो गए। गिनकर 9 सीखिए पिया करते हैं, हम तो तब तक पीते हैं जब तक घर जाने के काबिल ना हो जाएं। बेंत डांटेगी भी बेंत कौर। आ गए आप,
ये कोई आने का वक्त है और फिर से शराब पी कर आए हो? बकवास करते हैं ये लोग, जो कहते हैं आदमी शराब का एडिक्ट हो जाता है। मैं शराब का नहीं, मैं तो अपनी प्यारी पत्नी के प्यारे जुमलों का एडिक्ट हो गया हूँ। देर से क्यों आते हो, शराब क्यों पीते हो और क्या कहती है डार्लिंग? कब सुधरोगे तुम? कब सुधरोगे तुम? बंद करो सब ड्रामेबाजी, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो। चलो बैठो यहाँ पे। किधर बैठो? लो बैठिए, अब हुकुम करो। अजीत प्लीज शराब छोड़ दो ना। हाय मैं मर जाऊं, इतने प्यार से पूछ रही है तो मैं जरूर छोड़ दूंगा। मंगलवार को छोड़ दूंगा। ये मंगलवार कब है? कल। कल? कल तो नहीं छोड़ दूंगा, अगले मंगलवार को जरूर छोड़ दूंगा। मंगल 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 कह के साल गुजार दिए, ये तुम्हारा मंगलवार कब आएगा? I'm fed up, completely fed up। खाना डाइनिंग टेबल पे लगा दूं कि यहीं पे लाके दूं? खाना तो हम डाइनिंग टेबल पर ही खाएंगे, बट व्हाट? वन फॉर द डाइनिंग टेबल। गुड मॉर्निंग सर। हाय राजवीर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड सर, गुड। ओह माय गॉड, क्या बात है। कौन है ये? काजल वर्मा, इनके पति विक्रम वर्मा की इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है। उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बेड रिडन हो गए, सो आजकल यही देखती हैं सब कुछ। पर आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है सर। सुबह से हैरी 3-4 बार कॉफी पूछ चुका है, पर आपको पता ही है। कॉफी ही काफी नहीं होती राजवीर। सर अपने बैंक्वेट हॉल की बुकिंग चाहिए थी इनको परसों से, अवेलेबल तो है नहीं। हाँ अगर आप कहें तो। नहीं, मेरे केबिन में भेज दो। जी हाँ जी। सो परसों से आपको बैंक्वेट हॉल की बुकिंग चाहिए? जी। डन डन। यप। लेकिन आपके मैनेजर ने तो बिल्कुल मना कर दिया था। इसीलिए तो आज तक मैनेजर है। लेकिन ये भी कहा था कि आप सर से मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसीलिए आज मैनेजर है। I must tell you, you are very jolly। दरअसल हमारे बिजनेस में पर्सनल टच होना बहुत जरूरी होता है। अब आप रिलैक्स हो जाइए, आपके सारे इवेंट्स आज से हमारे हुए, और मैं दुआ करता हूँ कि हमारा हर इवेंट एक यादगार बन के रह जाए। So nice of you, thank you so much। Welcome। आप वकील हैं राजवीर? करेक्ट। जी। जब जज ने उसे एलिमनी सुनाई थी तो उसे मनमानी करने के लिए नहीं कहा था। जी बिल्कुल। शुक्र है नेहा ने मुझे सिर्फ फोन किया है, अगर कंप्लेन लिखाती तो मुझे खुद अरेस्ट करना पड़ता उसे। अब आप बताइए, मतलब मैं अच्छा लगूंगा उसको हथकड़ी पहनाते हुए? नहीं नहीं। नहीं ना, तो फिर आप कुछ करती क्यों नहीं? हथकड़ी पहनाते हुए तो कोई भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसमें कोई क्या कर सकता है? देखिए, या तो आप उसकी बेल की फाइल की तैयारी कीजिए या फिर उसे समझाइए। लीजिए वो खुद ही आ गया, आप ही बात कर लीजिए। हेलो, कैसे हो राकेश जी? मैं तो ठीक हूँ, पर नेहा बेचारी ठीक नहीं है। तूने इस बेचारी को पैसे देने से मना कर दिया। बेचारी और वो, अरे मेरे पैसों पे मौज कर रही है, मेड, स्विमिंग और पता नहीं क्या क्या। देख राजवीर, ऐसा करना गैर कानूनी है, और राकेश जी बता रहे थे तुझे जेल हो सकती है। अब तुम भी नेहा की साइड लोगी? मैं तो यार कानून की साइड ले रही हूँ। तूने शादी मेरे से करनी है या कानून से? देख राजवीर, हम दोनों ही तेरा भला चाहते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। लोग कहते हैं कि शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, असली जिम्मेदारी तो साली डिवोर्स के बाद बढ़ती है, ये कोई नहीं बताता। पूरी जिंदगी के लिए उसका नौकर बन के रह गया हूँ मैं। पूरी जिंदगी के लिए क्यों? जब तक नेहा की शादी नहीं हो जाती तब तक। मतलब? मैंने कल रात को ही पढ़ा था, आपको एलिमनी तब तक देनी पड़ती है जब तक आपकी एक्स वाइफ की दूसरी शादी नहीं हो जाती। पर उसे महीने के महीने पैसे मिलते हैं, वो दूसरी शादी क्यों करेगी? भाई कोई पसंद भी तो आ सकता है ना। क्यों? पर कौन? आप अपने मुंह से कहते हो अच्छा नहीं लगता, लेकिन नेहा मुझसे प्यार करती है। क्या? हा? और मैं भी नेहा से प्यार करता हूँ। अरे पहले आपने कभी बताया नहीं। पहले तो उसका हस्बैंड था ना। चलो बस ये अच्छा हुआ, मैं नेहा के पास जाके उसको शादी के लिए कन्विंस करता हूँ, फिर बजाते हैं आपका बैंड। वाह वाह, तो शाम को मिलते हैं नेहा के। ठीक है। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। लीजिए आपका चेक।
और मेरी सब्जियाँ? बलविंदर आ रहा हूँ जनाब, सब्जियाँ कोई गुब्बारे थोड़ी ना, एक एक गोभी का फूल 5-5 किलो का है। एक तो पता नहीं घर में कौन सा लंगर लगाना है, इतनी सब्जियाँ मंगा लेते हैं। थैंक यू जी, मैं बस 5 मिनट में रोहन को लेकर आता हूँ, 7 बजे का शो है, आप तैयार रहिएगा, ठीक है? आपकी फ्रेंडशिप ने मुझे शहर में जिंदा रखा है। बस